छोटाउदेपुर नगर के विविध हिंदू संगठनों द्वारा किशन भरवाड़ की हत्या का विरोध करते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया था। छोटाउदेपुर नगर में विविध हिंदू संगठनों द्वारा किशन भरवाड़ की सरेआम गोली चलाकर की गई हत्या का विरोध करते हुए आज जिला कलेक्टर स्तुति चरण को आवेदन पत्र दिया गया। धंधुगा गांव में किशन शिवाबाई भरवाड़ द्वारा एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था, जिसको लेकर असामाजिक तत्वों द्वारा जाहिर में उस पर गोली चलाकर हत्या की गई, जिसके प्रत्याघाती असर के भागरूप राज्य भर में विविध हिंदू संगठनों द्वारा आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं। जो ये घटना का विरोध करते हुए छोटाउदेपुर नगर में भी हिंदू संगठनों द्वारा जिला कलेक्टर स्तुति चरण को आवेदन पत्र देते हुए अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग और ये केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग करते हुए आवेदन पत्र दिया था। छोटाउदेपुर में गई काले जे अनिच्छनीय बनाव बन्यो जे वखोड़वा जेवो छे, जारे होय त्यारे अमुक वगर कामना तोफानी तत्वो आवीने आखा माहौल ने बगाड़े छे। आवा तत्वो ने पोलीसे डामी देवा जोईए जेथी कोई नवा भाई उभा ना थाय। आपणे अहीं गुंडारा जे जोईतुं नथी, छोटाउदेपुर शांत गाम छे, शांत रहेवुं जोईए, कोई पण गुंडाओने साकी लेवाय नहीं। छोटाउदेपुरनी जनतानी आ मांगणी छे, છોટાઉદેપુરની જનતાને પણ હું અપીલ કરું છું કે તમે શાંત રહો અને શાંત ગામ રાખો, કોઈ પણ જાતના અનિચ્છનીય બનાવ ના બને એના માટે પોતે જાગૃત થાઓ। ધંધુકાની અંદર જે કિશન ભરવાડની કુર હત્યા કરવામાં આવી છે અને જે નરાધમોએ એમની ગોળી મારીને હત્યા કરી છે, તેઓને ટૂંક જ સમયમાં ફાંસીની સજા થવી જોઈએ એ અમારા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના, છોટાઉદેપુર તાલુકાના અને છોટાઉદેપુર નગરના તમામ નાગરિકોની વિનંતી છે સરકારશ્રીને, અને ન્યાયાધીશને પણ વિનંતી છે કે, અને પોલીસ વિભાગને પણ વિનંતી છે કે આ નરાધમોને પકડી અને જાહેરમાં ફાંસી આપે એવી એક અમારી વિનંતી છે, અને વહેલામાં વહેલી તકે ફાંસી આપવામાં આવે એવી એક લાગણી પણ છે।